सीएम महिंदा राजपक्षे ने दी छह परिवार नेवल बेस में शरण, हिंसा में अब तक 8 की मौत। एमपी में निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत निकाय का होगा चुनाव, सीएम शिवराज लाएंगे रिव्यू पिटीशन। गर्मी की उल्टी गिनती शुरू, उत्तर और मध्य भारत में सिर्फ 13 मई तक चलेगी लू, उसके बाद गिरता जाएगा पारा। नसरुल्लागंज में डंपर और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत, एक की दर्दनाक मौत, एक की गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भालू का वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो में बच्चों को पानी पिला रहा भालू, नर्मदापुरम के जंगल का बताया जा रहा है वीडियो। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत, खबरें विस्तार से। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। वे 84 साल के थे। आपको बता दें कि किडनी से रिलेटेड बीमारी से वो जूझ रहे थे, बीते 6 महीने से डायलिसिस पर थे। वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन से हमारी सांस्कृतिक दुनिया अधूरी हो गई है, उन्होंने संतूर को विश्व में पहचान दिलाई है। अमेरिका के सबसे बड़े पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा सोमवार देर शाम की गई है, जिसमें फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का भी नाम शामिल है। इस बार सिद्दीकी और उनके सहयोगी अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को भारत में कोरोना के कारण हुई मौतों की तस्वीर खींचने के लिए सम्मानित किया गया है। दानिश को मिलाकर दूसरे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिद्दीकी ने पिछले साल अफगानिस्तान में अपनी जान गंवाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का सियासी जंग किसी से छुपी नहीं है। इसी बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के छोटे भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भोपाल के श्यामला हिल्स पर भूतपूर्व राजा महाराजा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री के आवास हैं। अगर ये सब मिलकर पड़ोसी धर्म निभाएं, प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा कर हल निकालें तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों ने गाना गाकर सीएम का स्वागत किया। सीएम ने इस दौरान सरकार के तमाम विकास कार्यों का जायजा लिया और कई जगहों पर विकास कार्यों को सौगात दी। वहीं बच्चों ने मुख्यमंत्री से रायपुर स्थित जंगल सफारी घूमने की इच्छा जताई, जिस पर सीएम ने कलेक्टर से बच्चों को जंगल सफारी घुमाने के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा, और यहाँ मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल करने की, हाई स्कूल उन्नयन, और यही जो साप्ताहिक बाजार के बारे में विधायक जी ने जो बात कही है, यहाँ शेड और चबूतरा निर्माण भी किया जाएगा। उसी प्रकार से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुंड्रा में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराएंगे। ग्राम धौरपुर में शासकीय महाविद्यालय मांग अब हमेशा से कहते हैं प्रीतम राम जी, में एक ही मात्र विधानसभा जहाँ कोई कॉलेज नहीं है, तो यहाँ धौलपुर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूँ। और वहाँ SBI की शाखा खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी ताकि वहाँ लोगों को सुविधा मिले। धौलपुर में ATM कार्यालय, संभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय की स्थापना भी की जाएगी। और ग्राम गगोली के पास मछली नदी के पास पुल निर्माण, और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदारी लमगांव में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण की स्वीकृति,
अवशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करौली रघुनाथपुर बरगेडी हेतु स्वयं के भवनों के निर्माण। संत प्रदीप मिश्रा के खिलाफ शांति मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल उन पर आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसे लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की कार्रवाई की मांग की गई। सामाजिक तत्वों के द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमर्यादित पोस्ट की गई थी, जिसकी जानकारी मुझे लगी 6:42 पर 7 तारीख को उनकी FIR मैंने खातेगांव थाने पर की। खातेगांव डी श्री सुनील कुमार शर्मा ने उस पर तत्काल संज्ञान लेकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज समक्ष सकल हिंदू समाज ने यहाँ पर एक शांति मार्च निकाला और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम SDM साहब को ज्ञापन दिया है। SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि खातेगांव की शांति भंग नहीं होने देंगे, और जो लोगों ने वीडियो जारी करके और समाज की शांति भंग करने का प्रयास किया है, निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आज हिंदू समाज के सभी संगठन या खातेगांव क्षेत्र के समस्त जो हिंदूवादी संगठन है उनके द्वारा जो अभी विगत 2-3 दिवस पहले एक रणगांव क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा जो भद्र भाषा के जमा किए हुए उनके विरुद्ध यहाँ पर क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु और क्षेत्र की जो शांति का टापू कहलाता है खातेगांव, उसके अमन शांति कायम रखने के लिए वहाँ हम राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया, उसको हम आज ही माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित। हमारा भारत बहुत प्राचीन राष्ट्र है और हिंदू धर्म और संस्कृति को लेकर, भगवान देवताओं को लेकर अगर कोई अश्लील टिप्पणी करता है, उनके प्रति अपशब्द प्रयोग करता है, तो ये निश्चित ही घोर निंदनीय है। इस लोगों के कारण पूरी समाज का वातावरण खराब होता है। विकासखंड के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करते हुए सरकार से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। इसी के दौरान राज्य कर्मचारी संघ का समर्थन प्राप्त हुआ है और उन्होंने आंदोलन में सहयोग कर सरकार से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की है। वहीं मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 2018 में एक नीति बनी थी, जिसमें उन्हें परमानेंट नियमित कर्मचारियों के अगेंस्ट 90% मानदेय वेतन देने की बात कही थी, परंतु उसका अभी तक उन्होंने पालन नहीं किया। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आहत होते हुए आज से चरणबद्ध आंदोलन पे उतारू हुए हैं। वरिष्ठ कार्यालय से जैसे भी संविदा संघ से हमें जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। अभी काली पट्टी बांध के 2-3 दिन हमें काम करना है, उसके बाद कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बाद 20 तारीख से अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं मांगा है माना जाता है सरकार द्वारा, तो 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मध्य प्रदेश के 30,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगभग सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। अलीराजपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूरे जिले में आंदोलन शुरू करने जा रहा है, जिसे 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी शामिल होंगे, जिसके बाद भी अगर सरकार ने उनकी 2 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया तो सभी 20 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की जवाबदारी भी सरकार की होगी। इसके साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहाँ कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहला का अभियान चलाया है, जिसके तहत वो लुंड्रा पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। वहीं पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। नरसिंहगढ़ में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने CM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में बिजली कंपनी ने अघोषित बिजली कटौती से आम जनता को परेशान कर रखा है
और विद्युत विभाग की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है उसको लेकर हमने आज एसडीएम महोदय के नाम ज्ञापन दिया, तहसीलदार महोदय को। आज पूरे प्रदेश के साथ नरसिंहगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भयंकर बिजली अघोषित कटौती हो रही है। आज अभी हाल ही में एक मंडप में 7 साल की बच्ची सुबह से लेके शाम तक लाइट नहीं रही और वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्षेत्र में भी एक जगह एक रोज भी रात में पूरे मच्छर काटने से बच्चे परेशान बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पाते। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कैसे भी हो वैकल्पिक व्यवस्था और यहाँ की जो कमी है वो पूरी कर और अघोषित कटौती को बंद किया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। चाचौड़ा में बीनागंज और राजस्थान के वन विभाग की टीम ने सामूहिक कार्रवाई की है। इस दौरान 4000 सिल्ली जब्त की गई हैं, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बीनागंज की टीम ने कई बार राजस्थान में भी बड़ी कार्रवाई की है। आज मनोहर थाना इलाके में मध्य प्रदेश और राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संयुक्त कार्रवाई में काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध सागवान, अवैध वनोपज ये सब जब्त की गई। काफ़ी समय से मध्य प्रदेश के इलाके से चोरी की लकड़ियाँ मनोहर थाना क्षेत्र में जा रही थी और मनोहर थाना क्षेत्र के DFO झाड़ावाड़ ने उसमें एक्शन लेते हुए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट और राजस्थान के सहयोग से प्रशासन और पुलिस की मदद से आज सुबह से जो कार्रवाई शुरू करी वो अभी ख़त्म हुई है और उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध सागौन और मशीन आरा मशीन वगैरह ये सब जब्त की गई। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही 3 ब्लैकमेलिंग के मामले अशोकनगर से सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, आरोपी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पहले लड़कियों को दोस्त बनाया करते हैं, फिर उनके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए मोटी रकम वसूलते हैं। वहीं पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के बयान पर FIR दर्ज कर ली है। साथ ही पीड़ित के परिजनों ने रैली निकाली है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उसमें यही मांग है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उनको नाव जो देखने में ये आ रहा है कि अगर नाबालिग कोई है तो उसको रियायत दी जा रही है, लेकिन नए एक्ट में कुछ नए प्रावधान भी आए हैं सुनने में, उनको उसी के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुई। हाँ, अगर पुलिस ने अगर गंभीरता से लिया होता तो ये घटनाएँ वो जो देखने में आ रही है वो नहीं होती है। अभी सुनने में आया है कल भी एक FIR दर्ज हुई है, उसमें भी इसी तरह का वीडियो बनाकर और बच्चों को मिले हुए। कानून व्यवस्था को देखते हुए अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो करीला में घटना हुई छेड़छाड़ की, उसके लिए फरियादी लगातार 3-4 दिन तक भटकता रहा है अपनी FIR के लिए। कोर्ट का निर्णय क्या आता है ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो पहली जो प्राथमिकता है फरियादी वो होनी चाहिए, उसकी FIR होनी चाहिए। उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार अशोकनगर में कानून व्यवस्था टोटल शिथिल हो चुकी है। चोरी हो, चाहे इसमें की बिकाई चल रही हो, चाहे अवैध शराब का चल रहा हो, चाहे सरेआम गाड़ियां चोरी हो रही हो, ब्लैकमेलिंग के जो मामले आए हैं उसी को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो ब्लैकमेलिंग का जो केस हुआ पिछले दिनों, जो बहुत सारी लड़कियों का ब्लैकमेलिंग उनके ऊपर हुई, उस प्रकरण में फरियादी जो अपराधी था उसको जमानत दे दी गई। और उस प्रकरण की सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरा प्रकरण जो हुआ उसमें पुलिस की निपक्षपाती दिखाई देने को मिली। नरसिंहपुर के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां SDM श्रेष्ठी जयंत देशमुख ने नागरिकों को इस समस्याओं को सुनकर निराकरण करने के आश्वासन दिया। आपको बता दें कि नगर में हर मंगलवार जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन होता है। हमारी सर हमारी रकम की रकम खा गया, पैसा की पैसा बराई थी खा गया। अच्छा, तो आपने बटिया वगैरह ली थी? बटिया लाई थी सर। हमारे कमाने हम लोगों में झूठे फंसाए थे जी लोगों है। हाँ, हमारी लीला भाई है। कौन है लीला भाई? लीला भाई मेरी पत्नी है।
और मोतीलाल हमारा भाई है और भतीजा अरविंद और परसोत्तम जी लोगों का सबों हैं झूठे मामले में गैंगरेज में फंसाए थे तो अब जमानत से ले आने सर जी और अब लोग घर में नहीं रहने रहे और हमारी लेटरिंग और कब की घटना है जो है 2020 की घटना है 2020 की घटना है दो साल से हम बाहर रह रहे हैं रिश्तेदारों के घर परेशान सर जी हमें घर पर नहीं रहने दे रहा कौन सी बात पे लड़ाई किस कारण की लड़ाई है ये झूठी लड़ाई है फंसा कितने लोगों को फंसाया पांच लोगों को सब सब बाहर हैं सब बाहर हैं तो आपके आज जनसुनवाई में आई थी हाँ जी गाडरवाड़ा गाडरवाड़ा क्या बोला मैडम ने बोली हम सुनवाई कर देंगे झूठे फंसा रहे साहब हाँ जो फांसी लगा के मर गई का काम देने काफी हाँ तो हमारा झूठा केस लगा दिया निकली कहाँ आए थे आज जन सुनवाई में आए थे क्या बोला मैडम ने मैडम ने कह दिया संतुष्ट हैं आप फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहिए खबर भारत के साथ नमस्कार